सितारगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने कंधों पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध किया। दरअसल चिकित्सकों का कहना है कि जल्द से जल्द 9 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए। इसी दौरान प्रभारी तकनीकी खेल डॉक्टर कुलदीप यादव ने बताया कि चिकित्सक काफी लंबे समय से अपनी मांगे प्रदेश सरकार के सामने रख रहे हैं। मांगे पूरी न होने की स्थिति में 9 सूत्रीय मांग को लेकर चिकित्सक अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। हमारा क्रांति चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ पिछले 1 महीने से कुछ मांगों पर जोर दे रहा है। इसमें सबसे पहली मांग जो मुख्य मांग है हमारी SGCP की है। ये स्पेशल डायनेमिक अश्योर्ड कैडर प्रमोशन होता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टर्स को 2 साल की सेवा पर, 4 साल की सेवा पर, 9 साल की सेवा पर और 13 साल की सेवा पर वेट पे इंक्रीमेंट में मिलता है, जो कि विगत 2 से 2.5 वर्षों से अभी तक चिकित्सा अधिकारियों को जो दुर्लभ सेवा दे चुके उनको नहीं दिया गया। दूसरा हमारा दूसरी मांग है वो जो हमारी DPC होती है वहाँ पर कोई चिकित्सा अधिकारी ग्रेड वन से SMO से JD और JD से AD, वो भी अभी तक समयबद्ध प्रक्रिया से पूरा नहीं हो पाया है। तीसरी मांग है हमारी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सक तैनात हैं उनको मेडिकल कॉलेज की भांति उनको भी दुर्गम भत्ता जो मेडिकल कॉलेज में 50% अतिरिक्त चिकित्सकों को दिया जा रहा है वही भत्ता उनको भी हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लोग हैं उनको भी मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे स्पेशलिस्ट को वो भत्ता दिया जाए।